गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ का फर्स्ट लेसन द फन दे हैड, आनंद जो उन्होंने किया। ये कहानी एक 13 वर्ष लड़की टॉमी और 11 वर्ष लड़की जो है मार्दी की है, जिन्हें एक ऐसी पुस्तक मिलती है जो वर्तमान समय की थी। ये कहानी जो है आगे आने वाले 500 साल बाद की है, जहाँ पर पढ़ाई का जो माध्यम है वो कंप्यूटर और कंप्यूटर से संबंधित सॉफ्टवेयर होंगे, और उन्हें एक ऐसी किताब मिली जो आज से 400-500 सालों पहले की है, मतलब वर्तमान समय की उन्हें किताब मिली। और उसमें पहले कैसे विद्यालय हुआ करते थे, आज के समय के विद्यालय के बारे में वर्णन किया गया उसमें। तो कहानी में लर्निंग थ्रू कंप्यूटर के माध्यम से कैसे सीखते हैं, भविष्य में रोबोटिक टीचर होगा, ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से वर्चुअल क्लासरूम होगी। वर्चुअल क्लासरूम यानी होता है कंप्यूटर के माध्यम से कक्षा कक्ष होंगे और टेस्ट होंगे, मैटर ऐसा होगा जो मूविंग करता होगा। पहला जो है टॉपिक यहाँ से है मार्जी इवन रॉट अबाउट इट, मार्जी ने भी इसके बारे में लिखा था, मार्जी ने इवन यानी भी रॉट यानी लिखा था, अबाउट इट यानी इसके बारे में, दैट नाइट यानी उस रात, इन हर डायरी अपनी डायरी में लिखा था, ऑन द पेज उस पेज पर जिस पर हेडेड यानी शीर्षक था 17 मई 2157, तो 17 मई 2157 शीर्षक लिखा था उसने, मार्जिन ने उसमें लिखा, सी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक असली किताब मिली है, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह एक वास्तव में पुरानी किताब थी। मार्जी ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी जो थे वंस यानी पहले, उन्होंने सेड यानी कहा था कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब टॉमी एक छोटा जो है ग्रैंडफादर जो थे मार्जी के, जब वे छोटे बच्चे थे तो उनके जो ग्रैंडफादर है जो दादाजी जो थे टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी ने, मार्जी के दादाजी जब छोटे थे तो उनके दादाजी ने हमने बताया था कि देयर वॉज अ टाइम, कि एक ऐसा समय था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सब जो है कहानियां कागज पर छपा करती थी, दे टर्न द पेजेज, वे पृष्ठ को घुमाते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीले और सलवट पड़े हुए थे, एंड इट वॉज आवफुली फनी, और ये बहुत भयानक विचित्र पेज थे टू रीड इन पढ़ने के लिए, वर्ड्स एंड शब्दों को, डेट स्टूल, और ये शब्द जो है किताब में स्थित थे, स्टिल यानी एक जगह स्थिर थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग चलने की बजाय, द वे यानी जैसे, दे वर सपोज टू जैसे की कल्पना की जाती है, ऑन स्क्रीन एंड पर्दे पर जो अक्षर होते हैं वे चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उस समय की जो किताबें थी उसमें अक्षर चलते हुए नहीं दिखाई देते थे, यू नो तुम्हें पता है, एंड देन, और उसके बाद, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वे उन पहले वाले पेज को घुमाते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, इस पर समान शब्द लिखे होते थे, दैट जो इट हैड जैसे हुआ करते थे, व्हेन दे रेड इट इन द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार उन्होंने इसे पढ़ा था। जी सर टॉमी, टॉमी ने कहा, अरे जी व्हाट अ वेस्ट, कितनी बर्बादी, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, थ्रू विद यानी पूरी पढ़ना, जब आप पूरी किताब को पढ़ लोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे बस फेंक दोगे, आई गेस, मेरा ऐसा मानना है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, हमारे टेलीविजन की स्क्रीन जो होती है उसमें मिलियन लाखों किताबें जो होती है, एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये काफी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, आई वुडंट थ्रो इट अवे, और इसे फेंकने की भी आवश्यकता नहीं है, सेम विद माइन, मेरे साथ भी कुछ ऐसा है, शायद मार्जी, मार्जी ने कहा, शी वॉज 11, वो 11 वर्ष की थी, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक एज टॉमी हैड, और इतनी टेक्स्ट बुक के जो है लिखी हुई किताब उसने नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देख रखी थी, ही वॉज 13, टॉमी 13 वर्ष का था, शी सेड, उसने कहा, मार्जी ने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट,
तुम्हें ये कहाँ मिली? तो टॉमी ने कहा इन माय हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया विदाउट लुकिंग एंड बिना देखे, बिकॉज क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो किताब पढ़ने में व्यस्त था। उसने कहा इन द एटिक, एटिक इन अटारी या कहने का मतलब भंडार गृह होता है, पुरान जो है चीजें रखने का स्थान, वहां पर मिली। व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है? महाजी ने पूछा। तो डोमिन जवाब दिया स्कूल के बारे में है। तीसरा टॉपिक है महाजी वॉज स्कॉर्नफुल, महाजी को नफरत होती, घृणा थी स्कूल से। का स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल में लिख, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है? आई हेट स्कूल, मुझे विद्यालय से, स्कूल से नफरत है। महाजी ऑलवेज हेटेड स्कूल, महाजी को हमेशा विद्यालय से नफरत थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब तो उससे पहले से ज्यादा नफरत होने लगी। द मैकेनिकल टीचर, उसका जो रोबोटिक जो टीचर था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, वो टेस्ट पर टेस्ट ले रहा था उसका ज्योग्राफी में, भूगोल में, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो खराब और ज्यादा खराब प्रदर्शन कर रही थी। Until her mother had shaken her head sorrowfully, और आखिरकार जब तक कि नहीं, until यानी होता है जब तक कि नहीं, उसकी मां ने शेकन यानी हिलाया हर हेड यानी उसके सिर को सोरोफुल यानी दुख के साथ, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने भेजा जो कि मशीन ठीक करता है उनको। ये जो काउंटी इंस्पेक्टर था, he was a round लिटिल मैन, ये छोटा और गोल मटोल जो है व्यक्ति था, विद अ रेड फेस, जिसका चेहरा लाल था, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, जिसके पास टूल का एक बॉक्स था, विद डायल्स एंड वायर, जिसमें डायल थे, घूमने वाले चक्कर होते हैं वो, और वायर एंड तार होते हैं, वो थे उनके पास। ही स्माइल एट मार्जी, वो मार्जी के ऊपर हंसा, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दी। Then took the teacher apart, और फिर जो है उसका जो रोबोटिक टीचर है उसके पुर्जों को अलग किया, अपार्ट ने अलग किया। महाजी हैड होप्ड, महाजी को उम्मीद थी, he would not know, कि उसे नहीं पता होगा how to put it together again, किसे फिर से कैसे जोड़ना है, put it together and फिर से जोड़ना। But he knew, लेकिन उसे पता था how all right, कि कैसे सब कुछ ठीक करना है। And after an hour or so, और फिर एक घंटे में या फिर एक आधे घंटे में क्या हुआ, there it was again, फिर वो फिर से ठीक हो गया। Large and black and ugly, बड़ा सा, काला सा और भद्दा सा, the robotic जो टीचर था वो ठीक हो गया। With a big screen, जिसका एक बड़ा पर्दा था, on which and जिसके ऊपर all the lessons were on, सारे अध्याय दिखाई देते थे, and द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे उस स्क्रीन पर, वो सब ठीक हो गया। देयर वाजंट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट महाजी हेटेड, वो भाग जिससे महाजी को नफरत थी, वो थी मोस्ट मोस्ट ज्यादा नफरत थी, वो द स्लॉट, वो एक जो है खेद था, जहाँ पर she had to put homework, जहाँ पर उसको गृह कार्य रखना पड़ता था एंड टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे। she always had to write, उसे हमेशा लिखने पड़ते थे, had to यानी होता है पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। then out in a punch code, उन्हें जो है एक पंच कोड के माध्यम से लिखा जाता था। they made her learn, उनके माता पिता ने उन्हें सिखाई थी, एंड शी वॉज सिक्स इयर्स ओल्ड, जब वो छह साल की थी तो उसको पंचिंग कोड सिखा दिए गए थे, और इससे जो है वो गृह कार्य करती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, और वो जो रोबोटिक टीचर जो था, कैलकुलेटेड यानी गणना करता था, द मार्क्स इन नो टाइम, नो टाइम यानी अति शीघ्र गणना करके बता देता था कि उसके कितने अंक मिले थे। पांचवा टॉपिक है द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने अपना काम पूरा कर दिया, इन रोबोटिक टीचर को ठीक कर दिया, तो वह फिर से मुस्कुराया, एंड पेटेड महाजीज हेड, और महाजी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर,
उस जो है व्यक्ति ने जो रोबोट को ठीक करने आया था, उसने महाराजी की माँ को कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की का दोष नहीं है, गलती नहीं है। मिस्टर जॉन जो है महाराजी की माँ है। आई थिंक, मुझे लगता है द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि भूगोल का जो सेक्टर था, खंड जो था, वो बहुत तेज चलने लग गया था थोड़ा। Those things happen sometimes, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैंने स्लोड इन धीरे कर दिया है, एवरेज इन औसतन 10 वर्ष के जो इस तरह के जो लोग होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, उनके लेवल तक उसको ठीक कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, ओवरऑल इन पूरा जो पैटर्न जो था कि भाई जियोग्राफी का जो उसका जो काम था वो क्वाइट एंड बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री एंड संतोषजनक था। एंड ही पेटेड महाराजिज हेड अगेन, और उसने पेटेड इन थपथपाया महाराजिज हेड इन महाराजी के सिर को फिर से, अगेन इन फिर से। महाराजी वॉज डिसअपॉइंटेड, महाराजी को निराशा हुई। शी हैड बीन होपिंग, उसको उम्मीद थी, वो उम्मीद कर रही थी दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर इन पूरी तरीके से उस टीचर को ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली अनादर लगभग अ मंथ एंड एक महीने के लिए टॉमी के टीचर को भी ऐसे ही ले गए थे। बिकॉज इन क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका इतिहास का जो विभाग था, खंड जो था, वो तो पूरी तरह से खाली हो गया था टीचर का। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए महाराजी ने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। छठा टॉपिक है, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आई, बहुत ही जो है सुपीरियर आई यानी होता है चकित आंखों से उसने, टॉमी ने जो है उसकी तरफ देखा, उसने कहा बिकॉज, क्योंकि इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे तरह का स्कूल नहीं था भाई। टॉमी का जो स्कूल है वो कंप्यूटराइज जो है क्लासरूम है, उसने कहा स्टूपिड, ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने तरह का स्कूल है। देयर दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ इयर्स अगो, जो सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था। ही एडेड, उसने फिर कहा लॉफ्टली यानी होता है आश्चर्यजनक रूप से, एकदम तीव्र गति से कहा, प्रोनाउंसिंग एंड उच्चारण करते हुए द वर्ड केयरफुली, शब्दों को ठीक प्रकार से बोलते हुए उसने कहा, सेंचुरी जैगो, कई शताब्दी पहले हुआ करता था। महाजी वॉज हर्ट, महाजी को ठेस पहुंची। वेल, अच्छा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार का जो विद्यालय है दे हैड उनके पास में था, ऑल दैट टाइम अगो, उस समय में पहले कैसे विद्यालय हुआ करता था मुझे नहीं पता। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल एंड थोड़ी देर के लिए उसने उसके कंधों के ऊपर से उस किताब को पढ़ा। पेन सेड, उसे कहा फिर, एनी वे खैर, दे हैड अ टीचर, उनके पास में एक अध्यापक हुआ करता था। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनके पास अध्यापक था, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन उनके पास में रेगुलर टीचर ऐसा नहीं था जैसा वर्तमान में होता है। तो उनके समय में का जो टीचर है वो एक रोबोटिक टीचर होता है, या रेगुलर टीचर मतलब रोबोटिक टीचर नहीं हुआ करता था। इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी होता था। तो महाजन का अ मैन, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वो लड़कों को सुनाता था, टोले सुनाता था, एंड गर्ल्स को भी, लड़कियों को भी सुनाता था थिंग्स एंड चीजें, कुछ बातें सुनाता था। एंड गिव देम होमवर्क, और उन्हें गृह कार्य देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उन्हें प्रश्न पूछता था। वो माँ जी कह रही है, अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना चतुर थोड़ी होता है। श्योर ही इज,
निश्चित रूप से वो होता है। माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं एज मच एज, इतना ज्यादा जितना मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो बहुत ज्यादा जानते हैं। आई डेचा, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इस पर झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। डिस्प्यूट यानी झगड़ा, और प्रिपेयर यानी तैयार। उसने कहा आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर आए टू टीच मी और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम विद लॉफ्टर, टॉमी जो था वो स्क्रीम यानी चीखा, विद लॉफ्टर यानी मुस्कुराहट के साथ, हंसी के साथ चीखा। यू डू नॉट नो मच, तुम्हें ज्यादा जानकारी नहीं है मार्जी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक घर में नहीं रहता था। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनका एक विशेष भवन होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहां जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सारे जो लड़के हैं क्रिश्चियन बच्चे जो हैं, क्या एक ही चीज सीख, एक ही बात को सीखते थे? मार्जी ने पूछा। श्योर, इफ दे वर द सेम एज, यदि उनकी उम्र समान होती थी तो, ऐसा टॉमी ने कहा। तो मार्जी ने कहा बट माई मदर से, लेकिन मेरी माँ कहती है अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, एक अध्यापक को समायोजित करना चाहिए तो फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि हर लड़का और लड़की जो है कैसा उसका मन दिमाग होता है। इट टीचेज, ये सिखाता है, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग अलग सिखाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम, ठीक इसी तरह, दे डिड नॉट डू इट, वे ऐसा नहीं करते थे। दैट वे यानी इस तरीके से, देन एंड तब। If you don't like it, यदि आपको अच्छा नहीं लगे, you don't have to read the book, तो आपको किताब पढ़नी नहीं पड़ती है। I did not say I did not like it, मैंने नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मार्जी सहज कृति, मार्जी ने जल्दी से कहा। She wanted to read about those funny schools, उन विचित्र विद्यालयों के बारे में वो पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished, उन्होंने आधी पुस्तक खत्म नहीं की थी। बहन की तभी मार्जी मदर कॉल्ड, मार्जी की माँ ने उसे बुलाया। मार्जी स्कूल, मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने देखा। नॉट येट मम्मा, मार्जी ने कहा अभी नहीं माँ। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन ने कहा अभी। एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी के लिए भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक्स सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, के विद्यालय के बाद मैं कुछ देर और तुम्हारे साथ इस किताब को पढ़ सकती हूँ। मे बी, हो सकता है, ही सेड नॉनसाइलेंटली, उसने बेमन से, बिना मन से उसने कहा हो सकता है। ही वॉक्ड अवे व्हिसलिंग, वह सीटी बजाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड, उस पुरानी धूल भरी जो किताब थी उसको टग यानी संभाल कर जो है कार के नीचे संभाल कर रख दिया। जिन्नी चीज आम यानी भुजाओं के नीचे संभाल कर रखते हुए ले गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपने कक्षा कक्ष में चली गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके शयन कक्ष के बिल्कुल नजदीक ही था। राइट यानी ठीक, नेक्स्ट टू यानी बगल में था, हर बेडरूम यानी उसके शयन कक्ष के। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और जो वो रोबोटिक टीचर जो था वो चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, ये हमेशा ठीक समय पर चालू हो जाता था। एवरी डे यानी रोजाना, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिवाय शनिवार और रविवार के ये अपने आप चालू हो जाता था। बिकॉज, क्योंकि हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती थी लिटिल गर्ल्स लर्न इट बेटर, कि छोटी लड़कियाँ बेहतर सीखती है। इफ यानी यदि, दे लर्न इट एट रेगुलर आवर्स, यदि उन्हें नियमित समय पर सिखाया जाए तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो पर्दा था वो ऑन और ऑफ हो रहा था। एंड इट सेड, और इसमें से आवाज आई,
टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। हम जो ऊंचे जो भिन्न है, एक बटा दो इत्यादि जो भिन्न है, उनका आप आज हम अर्थमेटिक यानी गणितीय अध्याय है, उनका हम जो एडिशन यानी जोड़ करना सीखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। प्रॉपर यानी उचित, स्लॉट यानी छेद में कल का होमवर्क डाल दो। मार्ज डिड सो, मार्ज ने ऐसा ही किया। विद अ साई यानी आह, गहरी सांस लेते हुए या आह भरते हुए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वे उन पुरानी विद्यालय के बारे में सोच रही थी। दे हैड जो हुआ करते थे, व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उनके दादाजी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और पड़ोस के सारे जो बच्चे थे, क्रिश्चियन बच्चे जो पड़ोस के थे, नेबरहुड इन पड़ोस के, वो विद्यालय में आते थे। लाफिंग यानी हंसते थे, एंड शाउटिंग एंड चिल्लाते थे इन द स्कूल यार्ड एंड विद्यालय के आंगन में। सिटिंग टूगेदर इन द क्लास रूम, और कक्षा कक्ष में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टूगेदर, एक साथ टूगेदर इन एक साथ गोइंग होम इन घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे यानी विद्यालय की छुट्टी के बाद। दे लर्न इट द सेम थिंग, वे समान चीजें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे विद होमवर्क एंड गृह कार्य के साथ। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातचीत कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और अध्यापक जो थे वह लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और रोबोटिक टीचर जो था वो ऑन हो रहा था पर्दे पर। व्हेन वी एड फ्रैक्शन, जब हम भिन्नों को जोड़ते हैं, एक बटा दो एंड समथिंग। महाराजी वॉज थिंकिंग, तो महाराजी सोच रही थी अबाउट इनके बारे में। हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि बच्चों को ये कितना अधिक अच्छा लगता था। इन द ओल्ड डेज यानी पुराने दिन में,